प्रसिद्ध साहित्यकार एवं शायर रूमी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जब हम सफलता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो रास्ते अपने आप तैयार होने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। हमारी चर्चा मध्य प्रदेश के जनजातियों के संबंध में हो रही थी और उसके संबंध में जितने भी प्रश्न हो सकते थे हमने कई सारे प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके पहले हमने जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को लेके, जनजातियों के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनके संबंध में, साथ ही जनजातियों के जो और बातें हैं उसके संबंध में हमने MCQs में देख लिया था। आज जो हमारी चर्चा होगी वो मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के विषय में होने वाली है और उसके संबंध में जितने भी MCQs बन सकते हैं। अब ये चर्चा जो होगी हमारी हो सकता है थोड़ा लंबी चले, क्योंकि अपने आप में जो जनजाति संस्कृति है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमारे मध्य प्रदेश में, हमको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। पूरे भारत में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा जनजातियों का निवास पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से कितने % भर पाई जाती हैं, तो 21.09% भाग पर हमारे यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब इतनी सारी जनजातियाँ जब पाई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है जनजातियों में क्या पाई जाएगी, उनकी विशेष संस्कृतियाँ होंगी, विशिष्ट परंपराएँ होंगी, विशिष्ट प्रथाएँ होंगी। जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के जनजातियों की संस्कृत, परंपराएँ, विशिष्ट कलाएँ, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, इसके संबंध में हम पूरी अपनी चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन समस्त पहलुओं को हम देखेंगे। अब देखिए, जब जनजाति संस्कृति की बारे में बात होती है तो कौन कौन सी जनजातियों की संस्कृति को हम मुख्य रूप से विचार करेंगे, तो हमको पता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। तो हो सकता है कि भील की जो जनजाति है उसमें विशिष्ट संस्कृत हो। फिर गोंड है, गोंडों में भी कुछ विशिष्ट संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भील के कुछ उपजातियाँ हैं, उनके कुछ विशिष्ट संस्कृतियाँ हैं। गोंड के कुछ विशिष्ट उपजातियाँ हैं, उनके कुछ विशिष्ट संस्कृति एवं परंपराएं हैं। इस प्रकार कई सारी जनजाति पाई जाती हैं, जैसे उराव, कोल, कोरकू, बैगा, सहरिया, उसके बाद मुड़िया, इसको मारिया भी बोलते हैं, फिर परधान, कंवार, भील, गोंड, उराव, कोल, कोरकू, बैगा, सहरिया, मुड़िया, परधान, कंवार, मांझी, गरिया एवं अन्य जनजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी जनजाति पाई जाती है, भारिया। तो कई सारी जनजातियों का निवास हमारे मध्य प्रदेश में पाया गया है और हर जनजाति की एक मुख्य विशेषता होती है, कुछ खास खास बात होती है। जैसे कुछ जातियों में क्या पाया जाता है, टोटम बात पाया जाता है। कुछ जनजातियों में आपको वधु मूल्य का प्रचलन देखने को मिल जाएगा और कुछ में नहीं मिलेगा, तो वध मूल्य की परंपरा। फिर विवाह की कई सारी परंपराएं होती हैं, नृत्य की शैलियां होती हैं, तो कई सारी चीज़ें क्या होती हैं इन जनजातियों में अलग अलग होती हैं। तो इनके संबंध में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन समस्त प्रश्नों पर हम अपनी चर्चा आज से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में कौन प्रयुक्त करता है, उड़द दाल के प्रयोग को कौन शुभ मानता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी गोंड। तो इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा अगरिया। देखिए, एक और जनजाति है जो उड़द दाल को शुभ मानती है और कल जब हम घुमंतू जनजातियों के विषय में, इसके पहले के लेक्चर में हम घुमंतू जनजातियों के विषय में चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो बंजारा जनजाति है, बंजारा जनजाति, वो भी उड़द दाल को शुभ संकेत मानती है और मुख्य रूप से जो अगरिया होती है वो विवाह के अवसर पर उड़द दाल के प्रयोग को
शुभ मानती है। अब अगर अगरिया की बात की जाए तो अगरिया क्या है, गोंड की क्या है, एक उपजाति है, गोंडों की उपजाति है। अब देखिए गोंड दो आधारों पर बटे हुए हैं। एक आधार है जिसमें गोंड दो भागों में बटा होता है, वो होता है राजगोंड और धुरगोंड। मतलब शासन प्रशासन के आधार पर दो भागों में बटे होते हैं, शासन के आधार पर दो भागों में राजगोंड और दूसरे होते हैं धुरगोंड। और इसके अतिरिक्त तो जो क्रियाविधि के आधार पर, अर्थात इनके कौन कौन से कार्य होते हैं उनके आधार पर ये कई भागों में बटे होते हैं। जैसे एक जनजाति होती है कोयला भूतिस, कोयला भूतिस जो मुख्य रूप से नाचने गाने का काम करती हैं। साथ ही आपने सोलहास का नाम सुना होगा, सोलहास होता है। इसके अतिरिक्त ओझा होती है, इसके अतिरिक्त प्रधान होती है। तो कई भागों में विभक्त होती है। गोंड की उपजातियों में जैसे अबू झमाड़िया भी है, गोंड की उपजाति होती है, माड़िया भी गोंड की उपजाति होती है। तो कई भागों में ये बटी होती है। तो ये हमारी चर्चा हो गई प्रश्न क्रमांक एक को लेके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोंडों की वह कौन सी शाखा है जो लोहे से संबंधित है, लोहे से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारधी, ऑप्शन बी पनिका, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी खैरवार। तो इसका सही जवाब होगा लोहों का काम करने वाली जनजाति होती है अगरिया। ये जैसा कि मैंने बताया गोंड की उपजाति है। और अगरिया की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी अंचल पे, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पर इनका निवास स्थान पाया जाता है। आपको सीधी, सिंगरौली और उमरिया वाले रीजन पे, साथ ही कुछ क्षेत्र आपका रीवा भी आ जाएगा, कुछ क्षेत्र सतना भी आ जाएगा, तो वहाँ पर ये जनजातियों का निवास स्थान पाया जाता है। और अगरिया की अगर बात की जाए तो एक समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने जनजातियों के संबंध में अध्ययन किया था, रसेल, रसेल इनके एक पुस्तक है जिसके माध्यम से इन्होंने जो मध्य भारत की जितनी भी कास्ट हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं, उनके बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और उन्हीं में ये जिक्र मिलता है कि जो अगरिया है वो सबसे पुरानी लोहे का काम करने वाली जनजाति है। पूरे विश्व में सबसे पुराने लोहे का काम करने वाली जनजाति कौन सी मानी है, अगरिया को मानी है। लोहे का काम करने वाली जनजाति होती है ये रसेल ने माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़ा देव, ऑप्शन बी कर्णदेव, ऑप्शन सी भीमासुर, ऑप्शन डी लोहासुर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी लोहासुर। देखिए अगरिया क्या काम करती है, लोहे का काम करती है। तो कारीगरी का काम करती है, मुख्य रूप से लोहे से संबंधित जितने भी औजार बनाए जाते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं, ये वाला काम करती है। तो इसीलिए ये लोहे, लोहासुर को अपने देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। अब लोहासुर का ये निवास स्थान मानते हैं कहाँ पर, धधकती हुई भट्टी पे। निवास कहाँ मानते हैं, धधकती हुई, धधकती भट्टी में निवास मानते हैं। और अगरिया लोग क्या होते हैं, इसी भट्टी की पूजा करते हैं। जो भट्टी होती है मुख्य रूप से इसमें कोयला डाला जाता है और कोयले में फिर आग लगा करके औजार को बनाया जाता है। तो उसी धधकती भट्टी में किसका निवास स्थान मानते हैं, लोहासुर का। और क्या बात की जाती है कि जब लोहासुर को ये लोग मानते हैं तो इनके संबंध में एक प्रथा चलती है, ये लोहासुर को काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं, या काले मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कमेंट में कि एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ GI टैग प्राप्त हुआ है कड़कनाथ मुर्गे को। अब आपको बताना है ये मिला है किसको, झाबुआ को, झाबुआ को मिला है ना। अब आपको बताना है कि जो GI टैग होता है, GI टैग वो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, कितने वर्षों के लिए मान्य होता है।
कितने वर्षों के लिए मान्य होता है जीआई टैग, या आपको सर्च करके कहीं से भी आपको अगर याद है तो आप कमेंट में अभी कर दीजिए, नहीं तो इस चीज़ को सर्च करके फिर इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जीआई टैग, अब एक और उसके बाद बता दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस उत्पाद को जीआई टैग सबसे पहले दिया गया। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन क्या है? हमारे ऑप्शन है बासी भात, ऑप्शन बी सुअर का मांस, ऑप्शन सी गाय का मांस, ऑप्शन डी हिरण का मांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हालांकि ये सी पे आ गया है, ऑप्शन बी सुअर का मांस। तो देखिए, जो सुअर का मांस होता है उसको बोलते हैं क्या, पोर्क बोलते हैं। और सुअर के मांस की एक खासियत होती है कि ये स्वाद में बहुत मीठा होता है, तो इसकी विश्व स्तर पे बहुत सारा इसके डिमांड है, डिमांड विश्व स्तर पर इस मांस की बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कई सारे खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होते हैं, जो मुख्य रूप से कृषि एवं पशुगत उत्पाद से अपना कच्चा माल प्राप्त करके स्थापना करते हैं, प्रसंस्कृत करके अपने उद्योग की स्थापना करते हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहलाते हैं। तो वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सुअर के मांस का भी क्या करते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आज इसको क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। इसीलिए सुअर पालन की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर भारत में और अन्य देशों में बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि हमारे भारत में इतना ज़्यादा तो इसका स्कोप नहीं है, लेकिन अगर आप पश्चिम के देशों में चले जाएँ, अगर यूरोप में चले जाएँ या फिर आप USA के क्षेत्र में चले जाएँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका मांस बहुत फेमस है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा त्योहारों व उत्सवों में चावल की शराब अर्थात हंडिया का सेवन किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पारधी, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी खैरवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उराव। अब देखिए, जो हांडिया शराब होती है ये स्थानीय स्तर पर जनजाति समूह द्वारा ही तैयार की जाती है, मुख्य रूप से उराव जनजाति ही इसको तैयार करती है। आपने बीच में सुना होगा कि जहरीली शराब बहुत चर्चा में रहती है, जहरीली शराब ये क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है कि जब स्थानीय स्तर पर लोग शराबों का निर्माण करते हैं तो शराब के लिए चाहिए कौन सा कंपोनेंट, एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH। लेकिन जब बेहतर रूप से प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो क्या होता है, ये शराब C2H5OH ना बनके मिथाइल अल्कोहल बन जाती है अर्थात CH3OH बन जाती है, जो क्या होती है एक प्रकार से मानव के स्वास्थ्य के लिए जहर का काम करती है। इसलिए आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या फिर बहुत बड़ा जो सरगना है वो इस कारोबार में शामिल है, बहुत सारी न्यूज़ आपको सुनने में मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी हंडिया की, तो हंडिया अगर शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये किससे जोड़ के रखना है, अपने को शराब से जोड़ के रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उराव जनजाति के पुरुष द्वारा किस वस्त्र को पहना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लुगड़ा, ऑप्शन बी पोलका, ऑप्शन सी अंगरखा, ऑप्शन डी पाहन। तो देखिए, अगर बात की जाए लुंगड़ा और पोलका की, तो ये जो उराव जनजाति होती है इसकी स्त्री ये वस्त्र धारण करती हैं। पोलका तो आपने सुना होगा, ब्लाउज को बोलते हैं। ब्लाउज को पोलका बोलते हैं। अब देखिए, जो अंगरखा है इसको धारण करते हैं कौन, पुरुष उराव जनजाति के अंगरखा और धोती धारण करते हैं। अंगरखा ऊपर पहनने वाला वस्त्र है और धोती नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। और पाहन की अगर बात करें तो पाहन क्या होते हैं, उराव जनजाति के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जादू टोने में एक्सपर्ट होते हैं, अर्थात उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जादू टोने का कार्य करना और भगवान से जुड़े हुए कार्य करना, तो वो उन व्यक्तियों को बोला जाता है क्या, पाहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंगरखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
उराव जनजात के युवा गृह को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए घोटुल, ऑप्शन बी धूमकोरिया, ऑप्शन सी गतियोरा, ऑप्शन डी धांगर बांसा। अगर आपने मेरे लेक्चरों को देखा होगा तो ऐसे प्रश्न मैं पूछ चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसका यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो उराव जनजाति के युवा गृह को कहा कहा जाता है धूम कोरिया। युवा गृह के बारे में आपको मैं बता दूँ तो युवा गृह ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर जो जनजाति संस्कृत होती है उसका क्या किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। अब शिक्षा किसको देंगे, युवक और युवतियों को जो जनजातियों के किशोर व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। साथ ही युवा गृह में एक परंपरा चलती है इनके संबंध में जनजातियों की, जिसके माध्यम से स्त्री पुरुष जो युवक और युवतियां होते हैं, युवक व युवतियां, उनको विवाह पूर्व यौन शिक्षाओं की दीक्षा दी जाती है। साथ ही वो संबंध भी बना सकते हैं और आगे चल के इसी युवा गृह से प्रेरित होकर के आगे चल के क्या कर सकते हैं, विवाह जैसे संस्कार को भी संपन्न करते हैं। और अगर बात की जाए अन्य ऑप्शनों की कि घोटुल किसका युवा गृह है, तो ये है मुड़िया का। गतियोरा किसका है, तो गतियोरा मुंडाओं का है, मुंडा जनजात से संबंधित है। और धांगर बांसा की अगर बात की जाए तो वो भूया, भूया एक जनजाति होती है, उनके युवा गृह को क्या कहा जाता है, धांगर बांसा। इसके अतिरिक्त आपने रंग भंग या इसको भंग भी बोलते हैं, रंग भंग, तो ये युवा गृह किसका होता है, भारियाओं का, जो एक PVTG ग्रुप है। तो भारिया जनजाति से संबंधित कौन सा ही युवा गृह, रंग भंग। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैंने एक ही प्रश्न में कई सारे एस्पेक्ट को आपको दे दिया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस जनजाति द्वारा त्योहारों व उत्सवों में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पारदी, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी खैवा। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, उराव। अब उराव जनजाति की अगर बात की जाए तो उराव जनजाति मुख्य रूप से दो धर्मों को मानने वाली होती है, एक होती है जो हिंदू उराव और एक कहलाती है ईसाई उराव, ईसाई उराव। उराव जनजाति जो लोग, अभी क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो जनजातियों को क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए जाते हैं, जनजातियों के पास जाते हैं और जनजातियों की कुछ मदद करके, जब जनजाति उनसे मदद प्राप्त कर लेते हैं तो अपना धर्म ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो कुछ जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए उनको ईसाई उराव कहा गया, और जो जिन्होंने अपनी परंपराओं में बने रहे उनको क्या कहा गया, हिंदू उराव कहा गया। साथ ही उराव के अगर निवास स्थान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, अर्थात भोपाल, रायसेन, साथ ही थोड़ा सा होशंगाबाद वाले रीजन में भी देखने को मिलते हैं। होशंगाबाद का नवीन नाम क्या है, नर्मदा पुरम। तो इस क्षेत्र में इनका निवास स्थान देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कवार जनजाति के पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतगढ़िया, ऑप्शन बी नोटिया, ऑप्शन सी खोडिया और ऑप्शन डी बांधवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नोटिया, नोटिया। अब देखिए जो इनकी पंचायत होती है वो तीन स्तरों पे काम करती है, तो पहले जो छोटी पंचायत होती है उसको बोला जाता है क्या, नोटिया। उसके बाद की पंचायत को बोलते हैं चक पंचायत, और इसके बाद सबसे विशिष्ट पंचायत होती है जिसके जो निर्णय होते हैं उनका कोई फॉलो करना बहुत अनिवार्य होता है, उनमें कोई आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं अगर उस पंचायत ने अपना निर्णय दिया है, उस पंचायत को कहा जाता है क्या, सतगढ़िया पंचायत।
सतगड़िया एक्चुअल में नाम कैसे पता है पड़ा है, तो कंवार जनजाति मुख्य रूप से 8 वर्गों में विभाजित है, लेकिन जो सतगड़िया है इसमें 7 वर्ग मिलके, जो 7 वर्ग के सदस्य हैं वो मिलके इस पंचायत को सृजित करते हैं और इनके द्वारा निर्णय दिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है, ये मान्य करना ही पड़ता है। जैसे अगर कहा जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट होते हैं एक तरह से, और जो चक पंचायत होती है एक तरह से हाई कोर्ट होती है, और जो नोटिया होती है एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वैसी वाली भूमिका निभाती है। तो बात हो गई हमारी प्रश्न क्रमांक 9 पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंवार जनजात द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बघरा देव, ऑप्शन बी दूल्हा देव, ऑप्शन सी शिकार देव, ऑप्शन डी बाब देव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाब देव। देखिए बघरा देव जो कंवार जनजाति होती है, ये लोग बघरा देव की पूजा तब करते हैं जब कृषि कार्य करना होता है, तो ये अनाजों की पूजा करते हैं, उस टाइम पे बघरा देव की पूजा करते हैं। दूल्हा देव की पूजा मुख्य रूप से महाकाल की पूजा करते हैं, ये लोग महाकाल को पूजते हैं जब किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या कभी कोई शुभ अवसर होता है, तो दूल्हा देव को पूजते हैं। और शिकार देव की पूजा ये लोग तब करते हैं जब इनको मुख्य रूप से, पहले जब शिकार करने इनके लिए अलाउ होता था, हालांकि अब भी कुछ क्षेत्रों में शिकार करने के लिए एक्टिव रहते हैं, जंगलों में रह के अपना जीवन यापन करते हैं, तो शिकार देव की पूजा करते हैं जब ये शिकार करने के लिए निकल रहे होते हैं उसके पहले। तो ये बात हो गई किसकी, अब शिकार देव का आपने उदाहरण सुना होगा, जब से पुष्पा मूवी पे आपने देखा होगा कि जब वो जंगलों को काटने जाते हैं शुरू में ही तो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उसी प्रकार से ये जो जनजाति होती है कंवार जनजाति, तो ये भी जब कोई शिकार करने जाती है उसके पहले एक पूजा आयोजन करती है, वो किसकी होती है, शिकार देव की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी मुड़िया, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी बैगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी मुड़िया। मुड़िया की अगर बात की जाए तो मुड़िया गोंड की एक उपजाति है जो मुख्य रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी, अगर मुड़िया के बारे में विस्तृत जानकारी देखा जाए तो वेरियर एल्विन की एक किताब है, वेरियर एल्विन की एक किताब है मुड़िया एंड देयर घोटुल, जिसमें मुड़िया जनजाति की और उनकी घोटुल प्रथा की पूरी जानकारी मिलती है। तो ये बात हो गई किसकी, मुड़ियाओं की बात हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध कबीर से है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खैरबार, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी पनिका, ऑप्शन डी पारधी। तो इसका सही जवाब होगा पनिका। देखिए पनिका जनजाति स्वयं को कबीरपंथी मानते हैं और कबीर के अपने आप को क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। पनिका मुख्य रूप से जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, आज का जो सिंगरौली सीधी शहडोल अनूपपुर वाला रीजन है, वहाँ पर ये जनजाति देखने को मिलती है। इनको कबीरहा भी बोलते हैं, कबीरहा। इनकी एक खासियत होती है कि इनके गोत्र को, इनके जो गोत्र होते हैं उनको कुर कहा जाता है, और बहुत सारे गोत्र मतलब कुर मिलके किसका निर्माण करते हैं, कुरहा का निर्माण करते हैं। और कुरहा क्यों प्रसिद्ध होता है, क्योंकि जो कुरहा के सदस्य होते हैं उसमें विवाह एक दूसरे से प्रतिबंधित होता है, मतलब जो अलग अलग कुरहा में विभक्त होते हैं और एक ही कुरहा के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, तो ये कुरहा की खासियत होती है। ये किससे संबंधित होती हैं, पनिका जनजाति से संबंधित होती हैं। पनिका की अगर और बात की जाए तो पनिका को बुनकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से कैसे काम करते हैं, बुनकरों का काम करते हैं, इसलिए इनको बुनकर भी कहा जाता है। खैरवार की जनजाति की अगर बात करें तो खैरवार मुख्य रूप से उस जनजाति को कहा जाता है जो वृक्षों से खैर प्राप्त करते हैं, तो ये मुख्य रूप से शिवपुरी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है पीएससी ने, खैरवार जनजाति मतलब खैर से, खैर के वृक्ष से कत्थे निकालने का काम कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो वो है क्या, खैरवार जनजाति।
ये बात हो गई हमारी किस पे, प्रश्न क्रमांक 12 पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस जनजाति का संबंध गाथावाचक अथवा संगीत से है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी मवासी, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी पाओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रधान। देखिए प्रधान किसकी उपजाति है, तो गोंड की है। और अगर इसके बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रधान का मतलब होता है कि प्रधान, प्रधान मतलब कौन होते हैं, मंत्री। तो इनके अर्थ की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है मंत्री, अर्थात ये मुख्य रूप से कैसे काम करते हैं, मंत्री बनने वाला काम, अमात्य वाला काम करते थे। प्राचीन काल में जब जानकारी मिलती है गोंडों के अधीन रह के ये अमात्य का काम करते थे। इनका अगर निवास स्थान की बात किया जाए तो ये निमाड़ में, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में इनका निवास देखने को मिलता है। प्रधान जनजाति गाथा वाचन और संगीत करके अपना जीवन यापन करती है। मुख्य रूप से अपने इनकी आय का स्रोत जो होता है संगीत कला होती है। तो ये जगह जगह पर जाके गीत गाते हैं और आय अर्जित करते हैं। तो इनकी खास बात होती है किसके संबंध में, प्रधान के संबंध में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारधी, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसके पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो उसका सही आंसर होगा पारधी। अब देखिए पारधी जनजाति मुख्य रूप से प्रारंभ में बंदरों का शिकार करती थी, इसलिए इसको शिकारी जनजाति भी कहा जाता है। लेकिन पारधी कई भागों में बटी हुई है, जैसे चीता पारधी, चीता पारधी, बंदर पारधी, सीसी का तेल वाली पारधी, ये मुख्य रूप से मगर के तेल को निकालते हैं, और इसके अतिरिक्त भील पारधी, भील पारधी, साथ ही लंगोट पारधी भी देखने को मिलती है। तो ये पारधी कई भागों में बटी होती है अपने कार्य के आधार पे, इसी आधार पे बनाया गया है इनको, क्या इनके भाग निर्धारित किए गए हैं। और यही जनजाति मुख्य रूप से किस पे संलग्न रहती है, शिकार कार्य में लगी रहती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध चीतों से है? तो अभी मैंने जैसा कि चर्चा किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पारधी। अब इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको जल्दी से जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, पारधी। मगरोहन क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ज्योतिष, ऑप्शन बी विवाह स्तंभ, ऑप्शन सी पंडित कोल जनजाति, ऑप्शन डी अग्नि कुंड। तो देखिए मगरोहन जो है बघेलखंड में प्रचलित एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये विवाह के टाइम पे देखने को मिलती है। तो ये विवाह, एक विवाह स्तंभ है और मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है, कोल जनजाति से, क्योंकि जो रीवा सतना शहडोल वाला रीजन है वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, कोल जनजाति निवास करती है। मगरोहन की खासियत क्या होती है, एक लकड़ी से बना हुआ एक शिल्प होता है जो ऐसे, इसमें चार या तीन भाग बने रहेंगे, इसकी पत्तियाँ बनी रहेंगी, और ये जब विवाह स्तंभ होता, विवाह संपन्न होता है, तो एक आपने प्रणाली सुनी होगी विवाह के लिए मंडप प्रणाली होती है, कि विवाह के दौरान मंडप स्थापित किया जाता है, तो मंडप के नीचे इसी स्तंभ को लगाया जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, मगरोहन। और मुख्य रूप से जो मगनी विवाह होता है, मगनी विवाह उससे संबंधित होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल महिलाएं गुदनाप्री है, ऑप्शन बी दूसरा ऑप्शन है ठोड़ी बाँ हाथ पैर पर कोल महिलाएं गुदना अवश्य लिखवाती हैं, और तीसरा ऑप्शन है गुदना आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, केवल एक, केवल दो और तीन, एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा क्या, एक दो तीन, मतलब उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। ये कोल महिलाएं गुदना अवश्य गुदवाती हैं, ये चूँकि हमारे क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो ये लोग अपने चेहरे पे हाथों पे और माथों पे
मुख्य रूप से गुदना गुदवाती हैं। देखिए वही चीज़ लिखी है कि ठोड़ी बाँह हाथ पैर पे गुदना गुदवाती हैं। गुदना आदिम जीवन के प्रतीक होते हैं। अब देखिए गुदना इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार जब PSC 2022 की मुख्य परीक्षा ले रहा था उसमें गुदना के लिए सीधा प्रश्न पूछा था कि गुदना क्या है, गुदना के प्रकारों को वर्णित कीजिए। तो कई सारे प्रकार होते हैं गुदना के, कि गुदना जैसे कोरकू गुदना क्या है ना, उसके बाद भील गुदना होता है, गोंड गुदना होता है। तो कई आधारों पर, जनजातियों के आधार पर गुदना को बांटा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, तीनों सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पर्व पर कोल जनजाति के लोग हल नहीं चलाते। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आखा तीज, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी नागपंचमी या ऑप्शन डी होली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाग पंचमी। क्या होता है कि कोल जनजाति मुख्य रूप से कृषि कार्य और आपके जो कोयले की खदान होती है उसमें काम करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि नाग पंचमी के दिन ये अपने आप को क्या मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं। जैसे रविवार की छुट्टी होती है उसी प्रकार इस दिन को ये लोग छुट्टी मनाते हैं और कृषि कार्य नहीं करते हैं और हल को ये लोग हाथ नहीं लगाते हैं। नाग पंचमी के दिन आपको पता है क्या होता है कि नागों को दूध पिलाया जाता है, नागों को दूध पिलाया जाता है। अब इस प्रकार दिवाली भी इनके लिए एक विशेष पर्व होता है और होली भी इनके लिए विशेष पर्व होता है। और होली की बात करें तो होली जलाने के लिए इनके संबंध में एक व्यक्ति होते हैं, इनका एक व्यक्ति होता है, खास व्यक्ति होता है जो मुख्य रूप से होली के टाइम पे होली पे आग लगाता है। तो उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पर्व पर बरुआ को देवी भाव आता है। हमारे ऑप्शन है नागपंचमी, ऑप्शन बी नव दुर्गा, ऑप्शन सी दीपावली, ऑप्शन डी होली। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी नव दुर्गा। अब समझ लीजिए कि ये बरुआ होते कौन है। बरुआ एक्चुअल में जो कोल समूह होता है उनके सम्मान पात्र व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं। और बरुआ इस प्रकार सम्मानित होते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है या फिर उसके घर में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो आपस में लोग मिलकर किसके पास जाते हैं, बरुआ के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और जो राय है बरुआ द्वारा दिया जाता है उसको सब लोग फॉलो करते हैं। बरुआ की एक खासियत होती है कि इसके दैवीय भाव नवदुर्गन के टाइम पे आते हैं। नवदुर्गा का जो समय होता है उसमें इसमें देवी भाव आ जाते हैं या अपने आप को ये बोलने लगते हैं कि हमारे अंदर देवी के भाव प्रकट हो चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके पास लोग आते हैं, जो बच्चे बीमार होते हैं, जो बुजुर्ग बीमार होते हैं उनकी बीमारी को दूर करने के लिए इनके पास आते हैं और ये बरुआ व्यक्ति जो होता है अपने हाथों को उनके ऊपर फेरता है और कहता है कि इनकी बीमारी दूर हो जाए। तो ये इसके खास बात होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होली पूर्णिमा के दिन होली में आग कौन लगाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरुआ, ऑप्शन बी भूहार, ऑप्शन सी न्यूतिहा, ऑप्शन डी गौहिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूहार। देखिए भूहार इनको कहीं कहीं ओझा भी बोलते हैं, इनको कहीं कहीं पांडा भी बोलते हैं, पांडा। अभी पांडा वो वाला पांडा नहीं समझ लीजिएगा जो चाइना की पांडा नीति आई है। चाइना पांडा नीति इस समय बहुत चर्चा में है, चाइना की पांडा नीति, तो वो वाला पांडा नहीं है ये, जो इसको पांडा या पांडा कहते हैं, ओझा भी बोलते हैं और भूहार ही बोलते हैं। क्या होता है कि जब पूर्णिमा, जो होली के टाइम पूर्णिमा पे होली मनाई जाती है तो होली के लिए होलिका दहन जब होता है तो उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ गठिया इकट्ठा की जाती है और आग लगाने का काम कौन करता है, भूहार। भूहार भी बरुआ के जैसे एक सम्मान पात्र व्यक्ति होता है जो कोल जनजात से संबंध रखता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूहार या बरुआ का संबंध किस जनजात से है तो आपको वहाँ पर समझ के रखना है उसका संबंध किससे है, कोल जनजात से। अगला प्रश्न है, प्रगट देवता किस जनजात से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी सहरिया या फिर ऑप्शन डी गोंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोल। देखिए प्रगट देवता का अर्थ क्या है, क्या होता है कि कोल मुख्य रूप से जो हिंदू रीति रिवाज हैं, हिंदू रीति रिवाज और देवता हैं उनको मानते हैं, हिंदू रीति रिवाज वाले देवताओं को मानते हैं। लेकिन इनके कुछ विशिष्ट देवता होते हैं, उनकी विशिष्ट संस्कृति एक श्रृंखला होती है, उन्हीं देवताओं को ये लोग क्या बोलते हैं, प्रगट देवता बोलते हैं। इनमें कई सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है जैसे ठाकुर देव,
सन्यासी देव बड़का देव अहीरा देव अहीरा बाबा बोलते हैं। इस प्रकार कई देवताओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। इन समस्त देवताओं को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? प्रगट देवता। भील के बाद भील में, जैसे भील में आपने बूढ़ा देव का नाम सुना होगा, बूढ़ा देव, राजा पंथा, भीलट देव, तीन के मुख्य भील के होते हैं। फिर गोंड में मुख्य रूप से दूल्हा देव को पूजा होती है। तो कुछ जो जनजाति हैं उनके प्रमुख देवता होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलो के ग्राम देवता होते हैं? पहला है ठाकुर देव, ऑप्शन बी बड़का देव, ऑप्शन सी अहीर बाबा, ऑप्शन डी सन्यासी देव। तो इसका सही जवाब होगा ठाकुर देव। तो ये ठाकुर देव को गांव के रक्षक के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। साथ ही ठाकुर देव के लिए अपने घर में एक चबूतरा बनाते हैं। घर में चबूतरा बनाएंगे, वहां पर इनकी स्थापना करेंगे। घर के बाहर चबूतरा बनाया जाता है और उनकी स्थापना करके पूजा पाठ की जाती है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि इनके लिए एक विशेष स्थान भी निर्धारित कर दिया जाता है ठाकुर देव के लिए। और ये किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हमारे गांव के इनका जो टोला है उसकी रक्षा हो सके। अगले प्रश्न पे आते हैं, कोल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खंडवा बुरहानपुर, ऑप्शन बी पन्ना निवाड़ी, ऑप्शन सी रीवा शहडोल, ऑप्शन डी ग्वालियर भिंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रीवा शहडोल। रीवा का बद्री राजा जो क्षेत्र है, बद्री राजा क्षेत्र, वहाँ पर मुख्य रूप से कोलों का मूल स्थान माना जाता है, बद्री राजा क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बद्री राजा का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है तो किससे के संबंधित रखते हैं, कोल जनजात से। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर चलते हैं पिछले प्रश्न पे। हाँ, जैसे होली पूर्णिमा पे मैंने बता दिया था कि भूइहार क्या होते हैं, कि आग लगाते हैं, जो होलिका दहन होता है उसमें आग लगाने का काम कौन करते हैं? भूइहार व्यक्ति। अभी यहाँ पर कुछ शब्द और लिखे हैं, जैसे न्यूतहा लिखा है। न्यूतहा कोई नया शब्द नहीं है। बघेलखंड में जो रीवा सतना सीडी का क्षेत्र है, वहाँ पर एक शब्द चलता है न्यूता, उसी का एक संवर्धित रूप है न्यूतहा। इसमें क्या होता है कि निमंत्रण, जो हमारे यहाँ मालवा में अगर देखें तो निमंत्रण कार्ड भेजे जाते हैं, कार्ड सिस्टम होता है, उसी प्रकार ये न्यूतहा एक प्रकार का क्या है, कार्ड प्रणाली, जिसपे हम विवाह उत्सव हो, जन्म उत्सव हो, शिशु जन्म हो या फिर अन्य उत्सव हो, वहाँ पर क्या करते हैं कोल जनजाति के लोग, निमंत्रण प्रदान करते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, न्यूतहा। और गोहिया, गोहिया के बारे में तो आपने सुना ही है। गोहिया क्या बोलते हैं? कोलों की पंचायत को बोलते हैं। कोलों की पंचायत को बोलते हैं क्या? गोहिया। और इसके प्रमुख को क्या बोला जाता है? मुकद्दम या चौधरी। मुकद्दम या चौधरी। अब आगे आते हैं अपनी पर चर्चा जहां चल रही थी। देखिए, जो ये प्रश्न बने हैं, आपको कई किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन कई सारे जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन जो सोर्स है इन प्रश्नों का और प्रश्न बनाने के पैटर्न का सोर्स है, जो बताने का सोर्स है, उसमें हम लोगों ने कई जगह से कंटेंट इकट्ठा किया है। हमने जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी होती है वहाँ से तथ्यों को लिया है, फिर जो बीए की किताबें होती हैं वहाँ पर। अब देखिए कौन कौन से कंटेंट कहाँ से लिए गए हैं, तो सबसे प्राथमिकता कंटेंट को दी गई है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी को, हिंदी ग्रंथ अकेडमी को। फिर उसके बाद जो बीए की किताब होती हैं, बीए की किताब हैं, वहाँ से हमने कंटेंट निकाला है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से। फिर मार्केट में कई सारे किताबें उपलब्ध हैं, मार्केट में कई सारे किताबें उपलब्ध हैं, वहाँ से हमने क्या किया है, कंटेंट लेने का प्रयास किया है। साथ ही कुछ मेरे पर्सनल इनपुट भी हैं जिनको मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये आइए इस प्रश्न में चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्य करती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरकू, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी कोल।
तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता दिया था कि कोयले के खदानों में आर्थिक कार्य के लिए लगे हुए जनजाति कौन होती है, कोल जनजाति होती है, इसीलिए इनका नाम भी कोल रखा गया है। कोल मतलब कायला। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोल दहका या कोल दहकी किस जनजाति से संबंधित नृत्य है? हमारे ऑप्शन है कोल जनजाति, ऑप्शन बी सहरिया जनजाति, ऑप्शन सी बैगा जनजाति, ऑप्शन डी भील जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा क्या, कोल जनजाति। एक कोल जनजाति कोल दहका नृत्य करते हैं। कोल दहका नृत्य दो मंच रहित होता है और दो पक्षों में होता है। एक तरफ स्त्रियां नृत्य करती हैं और दूसरी तरफ जो पुरुष वर्ग होता है वो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करता है और यहाँ स्त्रियाँ नृत्य करती हैं। इसके अतिरिक्त कोल जनजाति द्वारा एक और नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को बोलते हैं केहरा नृत्य। आपने कहरवा गान सुना होगा, वो इसी नृत्य के दौरान किया जाता है। तो कोल जनजाति द्वारा एक और नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या बोला जाता है, केहरा नृत्य किया जाता है। सहरिया की अगर बात की जाए तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से दुलदुल घोड़ी नृत्य करती है और इसके अतिरिक्त लहगी नृत्य। बैगा जनजात रीना कर्मा सैला इनका प्रमुख नृत्य है, रीना कर्मा और सैला। भील जनजाति का तो सबसे प्रमुख नृत्य आपको पता ही है, भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य, इसके अतिरिक्त डंडा नाच भी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कई सारे नृत्यों का यहाँ पर मैंने जिक्र कर दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप कर ले जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरतालिका तीज के दिन हिंदुली कजली किस जनजाति में? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी गोंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोल। देखिए हरतालिका तीज के बारे में तो आपको पता ही है, हरतालिका तीज में क्या होते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत किसके द्वारा रखा जाता है, स्त्रियों के द्वारा। और इस दिन मुख्य रूप से जो कोल जनजाति होती है एक उत्पाद का प्रयोग करती है, महुए से बनी महुआ। महुआ जो होता है उसको सुखा लिया जाता है, फिर उससे आटों को मिक्स करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे महुए की रोटी बनाई जाती है। तो महुए के उत्पाद से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं इस दिन हरतालिका तीज के त्यौहार में। तो ये हो गई क्या बात हमारी प्रश्न क्रमांक 26 पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोल दहका प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य की जनजाति से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश की कोल जनजाति, ऑप्शन बी तमिलनाडु की टोडा जनजाति, ऑप्शन सी राजस्थान की भील जनजाति, ऑप्शन डी हरियाणा के जनजाति समूह से। देखिए ये तो आपको बनी सी बात है कि आपको बनी जाएगा ये सवाल कि मध्य प्रदेश की कोल जनजाति से संबंध रखता है। आपको यहाँ दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिल रही है, जैसे तमिलनाडु की टोडा जनजाति, तमिलनाडु में जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, नीलगिरी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नीलगिरी में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो नीलगिरी में कौन सी जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति निवास करती है। राजस्थान में भील जनजाति को मूल स्थान माना गया है, आपको पता है राजस्थान का एक क्षेत्र है। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भील जनजातियों का मूल निवास माना गया है, कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जब देखिए चीज़ों को तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हाँ मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो उसका उत्तर अगर मुझे मिलेगा तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मेरे जो स्टूडेंट है वो आगे रह के कार्य कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, कोल जनजाति के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है कोल जनजाति का मूल निवास रीवा के बद्री राजा क्षेत्र को माना जाता है, ऑप्शन बी है कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है जिसकी लगभग 22 उपशाखाएं हैं, ऑप्शन ए केवल एक सत्य है, ऑप्शन बी केवल दो सत्य है, ऑप्शन सी एक और दोनों सत्य है, और ऑप्शन डी एक और दो असत्य हैं। जल्दी से इसका जवाब देने की बात करें तो देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बद्री राजा क्षेत्र इनका क्षेत्र माना जाता है, इनका मूल निवास माना जाता है, ये मैंने बात कर ली है। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको पता है कि कोल
भील और गोंड के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल है, जिसकी लगभग 22 उपशाखाएँ मौजूद है। मध्य प्रदेश में जो रीवा, शहडोल, सीधी, सतना वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी 22 शाखाएँ प्राप्त होती हैं और लगभग 17 गोत्र प्रणाली किससे संबंधित है? कोल से संबंधित। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गया कि अगर इसमें और आगे चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कितने गोत्र प्रणाली देखने को मिलती है, तो 17 गोत्र प्रणाली मिलती है। अब 17 गोत्रों में एक विशिष्ट चिन्ह होता है, उन विशिष्ट चिन्ह को क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। तो टोटम बाद पे आधारित होती हैं। तो इनमें दोनों कथन सत्य है, यही बात करनी थी इस प्रश्न की। आगे आते हैं कि मग्नी विवाह का प्रचलन किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है कोल, भील, उराव, टोडा। तो इसका सही जवाब होगा क्या? कोल। मग्नी विवाह मुख्य रूप से कहाँ पर प्रचलित था? बघेलखंड क्षेत्र में। और बघेलखंड में कौन पाई जाती है जनजाति? कोल जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोल। अगला प्रश्न है, सोहर, सुहाग, सजनई और मांगर माटी मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी भारिया, ऑप्शन सी भगोरिया, ऑप्शन डी कोल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी कोल। अच्छा, अगर कोई बघेलखंड वाले क्षेत्रों से बिलोंग करता है ना, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है, वो आसानी से इस प्रश्नों का जवाब दे ले जाएगा, क्योंकि कोल जनजाति मुख्य रूप से वहाँ पर निवास करती हैं। तो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये। तो उनको ये पता है कि सोहर क्या होती है, बच्चे के जन्म पे गाई जाती है, सुहाग क्या होता है, जब विवाह की परंपरा होती है उसके दौरान गाया जाता है, मांगर माटी गीत क्या होता है, तो एक जब मंडप प्रणाली, मंडप बांधना होता है किसी विवाह के अवसर पर, उसके पहले महिलाएं एकत्रित होकर के बहुत सारे समूह में एकत्रित हो जाएंगी और सिर पे टोकरी रखेंगी और मिट्टी एक जगह स्थान से निकालेंगी और जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं, मिट्टी के चूल्हे, उसका निर्माण करेंगे। लगभग 7 चूल्हे बनाए जाते हैं और मुख्य रूप से जो बुआ होती है, इसमें बुआ का कार्य सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो बुआ जो होती है, मतलब लड़के की जो बुआ होती है, फिर लड़की की जो बुआ होती है, उसका मुख्य रूप से कार्य होता है कि वो ये कार्य को मूर्त रूप प्रदान करे। ये बात हो गई किसके बारे में? सोहर, सुहाग, सजनई और मांगर माटी गीत के बारे में। अगला प्रश्न है, बरहों अर्थात शिशु जन्म के पश्चात शुद्धिकरण का दिन किस जनजाति में प्रचलित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी सहरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोल। देखिए, बराहों क्या होता है कि जब शिशु का जन्म होता है, शिशु के जन्म के 12वें दिन एक शुद्धिकरण, एक प्रथा अपनाई जाती है जो मुख्य रूप से जो बच्चे के माता पिता होते हैं, माता व पिता, उनको सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है, सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। तो बरहों इसलिए जन्म के 12वें दिन होता है और मुख्य रूप से बच्चे के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवाखनी नए अनाज आने पर मनाया जाने वाला पर्व किस जनजाति में प्रचलित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी उराव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोल। होता क्या है कि कोल जनजाति जब कृषि कार्य करती है, मुख्य रूप से धान की फसल होती है, धान की फसल के दौरान जब बीज निकलता है तो अपने घर में ला के बीज को क्या करते हैं, जो अपने उनके देवता होते हैं, देवता मुख्य रूप से जो बड़का देवता होते हैं, बड़का देव इनके प्रमुख देवता होते हैं, जो अनाज से संबंधित होते हैं, घर के गृहस्थी के वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं। तो उनके समक्ष क्या करते हैं, ये अन्न को अर्पित करते हैं, अन्न को थोड़ा अन्न चढ़ाते हैं और ऐसे कुछ बनाया जाएगा गोबर वगैरह रख के, उसके ऊपर अन्न रखा जाएगा, उसको सिंदूर के माध्यम से, हल्दी के माध्यम से, कुमकुम के माध्यम से सजाया जाएगा और पूजा की जाएगी। तो ये पूरी प्रथा है, उसको बोला जाता है क्या, नवा खनी के टाइम पे होता है। तो वो कौन सी जनजाति करती है? कोल जनजाति। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शिडोली प्रथा किस जनजाति की एक मुख्य प्रथा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी कोल। तो शिडोली प्रथा के बारे में
काफ़ी चीज़ें आपको पता है। सिडोली प्रथा किसके द्वारा मनाई जाती है, इसको पर्व भी बोलते हैं, सिडोली पर्व भी बोलते हैं, कोरकू जनजाति के द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिडोली पर्व या प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोरकुओं से संबंधित है। नंबर दो, अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू यह वर्ष मनाते हैं, यह पर्व मनाते हैं। इस पर्व में की गई हत्या की सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल दो और तीन, या उपरोक्त सभी? देखिए, सिडोली प्रथा मुख्य रूप से जो किसी व्यक्ति की, अगर कोरकू में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत एक प्रथा अपनाई जाती है, उसी को बोला जाता है सिडोली प्रथा। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो इनके पूर्वज होते हैं, किसी कोरकुओं के जो पूर्वज होते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो इसके माध्यम से, इस पर्व को मनाने के माध्यम से ये होता है, ऐसा इनका मानना है कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वो किस में शामिल हो जाएगा, हमारे पूर्वजों की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। इसके लिए कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हंगामा भी होने लगता है, कई बार तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है लोगों की। इसीलिए कहा गया है कि अगर मृत्यु भी हो जाती है तो किसी भी पंचायत में इनकी सुनवाई नहीं होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोरकुओं में गोदना किया जाता है, गोदने वाली महिलाओं को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदाई, ऑप्शन बी मूंगनी, ऑप्शन सी मंडो, ऑप्शन डी चिथोड़ा। जल्दी से इसका जवाब आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूंगनी। मूंगनी, देखिए मूंगनी वो महिलाएँ होती हैं जो मुख्य रूप से क्या करती हैं, गोदने का कार्य करती हैं। अब ये गोदन, अब इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मंडो क्या होता है, तो मंडो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई तो जहाँ पर किसी व्यक्ति को दफनाया गया, जो मृतक व्यक्ति है दफनाने जाने वाले स्थान पे एक लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है, लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है। उसी को कहा जाता है क्या, मंडो। तो अगर पूछ ले कि मंडो का संबंध किससे है, तो एक प्रथा होती है जो सिडोली प्रथा होती है, इससे जुड़ी हुई ये चीज़ है, सिडोली प्रथा से जुड़ी हुई चीज़ है मंडो। और चिथौड़ा क्या होता है, चिथौड़ा एक्चुअल में जो कोरकू होते हैं उनमें एक मध्यस्थ व्यक्ति, जब विवाह होता है तो एक स्त्री साइड होता है, मतलब एक लड़की का साइड होगा और एक लड़के का साइड हो गया, तो दोनों का संबंध बनाने के लिए जो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, वो होता है क्या, चिथौड़ा। ये तय करेगा कि कितने आपको वधु मूल्य देना पड़ेगा, आपको सेवा विवाह है तो कितने दिन सेवा करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों की चर्चा कौन करता है, चिथौड़ा नामक व्यक्ति करता है। तो चिथौड़ा क्या है, एक व्यक्ति से संबंधित परिचय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टी गोदई किस जनजाति में प्रचलित एक गोदना गोदने की प्रचलित तरीका है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खैरवार, ऑप्शन बी बिजवार, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी कोरकू। टी गोदई, इसको रानी की गोदना भी कहते हैं, रानी की गोदना भी कहते हैं। इसका सही जवाब होगा कोरकू, कोरकू इसका सही जवाब होगा। अब देखिए, इस टी गोदई की खासियत क्या होती है कि जो हथेली होती है, ये जो हथेली है इसमें ऊपर उठा हुआ भाग है, जो ये वाला भाग है, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या की जाती है, गोदना लगाया जाता है। अब गोदना में बनाया क्या जाएगा, फूल, पत्ती या फिर आयताकार संरचना पे, आयताकार संरचना पे विशेष आकृति बनाई जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब हाथों में ये चीज़ बनाई जाती है तो हमारे हाथ बेहतर रूप से काम कर सके, क्योंकि इनका मुख्य जो हमारे कर्ता धर्ता होता है, जो हमारे शरीर का मुख्य रूप से काम करने वाला इकाई होती है, वो हाथ होती है। तो हाथ बेहतर रूप से काम कर सके और एक बेहतर सही काम कर सके, सही दिशा में काम कर सके, इसीलिए क्या करा जाता है, टी गोदई लगाई जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, डोड बली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कंवर, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी कोरकू। तो डोड बली पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन का आंसर होगा कोरकू जनजाति। इसके अतिरिक्त
डोट बलि के अतिरिक्त आपका देव दशहरा भी मनाया जाता है इनके द्वारा, देव दशहरा। ये जो डोट बलि पर्व होता है ये ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, जेठ का महीना होता है, जो हिंदी जो कैलेंडर होता है उसमें ज्येष्ठ का जो महीना होता है उसमें डोट बलि पर्व मनाया जाता है। देव दशहरा भी मनाया जाता है, पाल उत्सव मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा मनाई जाती हैं? कोरकू के द्वारा मनाई जाती हैं। अगला पर्व है जिरोती पर्व, कोरकू जनजाति द्वारा किस अवसर पर मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है दीपावली पर, ऑप्शन बी होली पर, ऑप्शन सी हरियाली अमावस्या पर, या ऑप्शन डी बुद्ध पूर्णिमा पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियाली अमावस्या पर। देखिए कई बार होता है कि जब पीएससी प्रश्न पूछता है तो उसके ऑप्शन में कुछ ऑप्शन बहुत बड़े होते हैं, तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि वही आंसर लगभग सत्य होता है। यहाँ पर भी देखिए यही वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को शॉर्टकट चाहिए कि चीज़ें नहीं बन रही हैं, उसको आसानी से चीज़ें करनी है, तो ये अपना सकता है, ये वाली चीज़ अपना सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? हरियाली अमावस्या। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोरकू जनजात से संबंधित विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। नंबर एक, पोला त्यौहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पड़वा अर्थात दो दिन का मनाया जाता है। नंबर दो, देव दशहरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। नंबर तीन, देव दशहरा के अवसर पर पड़यार नृत्य किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, असत्य हैं? आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो देव दशहरा होता है वो कार्तिक माह में ना मनाया जा करके क्वार माह में मनाया जाता है, क्वार माह में मनाया जाता है। बाकी दोनों चीज़ें सही है, पोला त्यौहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मनाया जाता है। अब कृष्ण पक्ष है तो मतलब सिंपल सी बात है कि अमावस्या है। कृष्ण पक्ष मतलब चंद्रमा के वो उस दिन वाले उस पक्ष को बोला जाता है जब अमावस्या का दिन चल रहा होता है, और शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा हमको दिखाई देता है। दो दिन तक मनाया जाता है, सही बात है। देव दशहरा के अवसर पर पड़यार नृत्य होता है। अब पड़यार नृत्य होता है तो ठीक है, लेकिन कोरकू जनजाति में एक व्यक्ति भी होता है पड़यार, पड़यार बहुत ही सम्मान पात्र व्यक्ति भी होता है जो उनके पंचायतों में विशेष स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन कोरकू जनजाति के बारे में सत्य है? यह जनजाति सतपुड़ा एवं विंध्य क्षेत्रों में निवास करती है। कोरकू का मूल निवास बैतूल जिलों में है। कोरकू समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति पटेल होता है। शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू हो जनजाति के नज़दीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और चार, ऑप्शन सी केवल चार, ऑप्शन डी दो तीन चार। कोरकू जनजाति के बारे में जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दो तीन और चार। क्यों? क्योंकि जो सतपुड़ा वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से कोरकू तो निवास करती है, लेकिन विंध्य क्षेत्र में ये निवास नहीं करती है। विंध्य क्षेत्र थोड़ा नर्मदा के उत्तर की ओर है, तो यहाँ पर ये निवास नहीं करती है। विंध्य क्षेत्र में आपको कौन सी जनजाति देखने को मिल जाएगी? गोंड देखने को मिल जाएगी, बैगा देखने को मिल जाएगी, कोल देखने को मिल जाएगी, उराव देखने को मिल जाएगी, पारधी देखने को मिल जाएगी, लेकिन कोरकू जनजाति देखने को सामान्यता नहीं मिलती है। तो इस ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा? गलत होगा। सतपुड़ा पे तो मिलती है लेकिन विंध्य क्षेत्रों में नहीं मिलती है। तो ये पूरी बात हो गई क्या हमारी आज की चर्चा पे? तो दोस्तों ये हमारी आज पूरी चर्चा हुई। हम आपसे आपको मैंने जैसा कि बताया है कि ये चर्चा थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि हमको विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कठिन से कठिन और डीप से डीप क्वेश्चनों को कवर कर लिया जाए। फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए विनायस से जुड़े रहिए। नमस्कार।